महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर खुर्द पुलिस चौकी में पानी घुसा हुआ है। सांप के डर से पुलिस कर्मियों ने हनुमान मंदिर में शरण ले रखी है। प्राथमिक विद्यालय में भारी पानी लगा है, बारिश बंद है, लेकिन लक्ष्मीपुर खुर्द इलाके का हाल बेहद खराब है। नेपाल नदियां भवरिया, छोटी गंडक, चंदन, झरेही का प्रकोप चरम पर है। अधिकतर घर जलमग्न है। 3 दिन में 28 घर और दीवार गिर चुके हैं। फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग भूजा और गुड़ खाकर गुजारा करने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधि लापता है, सिर्फ चुनाव में वोट लेने आता है। बाढ़ से गरीबों का राशन भीग चुका है। नेताओं के प्रति जनता में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, ठूटीबाड़ी, महाराजगंज। मैं साजिश आलम जी, आप राजस्व लेखपाल जी से निचलोल राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुर खुर्द और कला का लेखपाल हूँ वर्तमान में। और हमारा गांव जो है इस समय दैवी आपदा बाढ़ से अतिवृष्टि के कारण गिरा हुआ है। ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन के तरफ से कल रात में नाव उतरवाया गया जो चटिया और लक्ष्मीपुर के बीच में जी जिनको आवागमन करना है उनके लिए चल रही है। यहाँ वर्तमान जी यहाँ पे कुल कितने लोगों का लगभग घर और के मामले में कितने क्षतिग्रस्त, कितना परसेंट क्षतिग्रस्त है ये जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, कितने लोगों का लगभग? कल से जो अतिवृष्टि हुई उसे वर्तमान समय तक 23 लोग का हमने रिपोर्ट तैयार कर दिया है, जिनका घर कच्चा मकान था, कुछ लोगों का दीवार भी गिरा है, उनका रिपोर्ट तैयार कर लिया गया, आज सबमिट कर दिया जाएगा तहसील प्रशासन में। सर ये ग्राम सभा लक्ष्मीपुर का कितना रकबा है जो पूरा यहाँ का 1150 एकड़ के लगभग है। अच्छा, ये पूरे के पूरे एकदम पूरा ये जैसे ये ग्राम सभा लक्ष्मीपुर है और राजस्व ग्राम लक्ष्मीपुर खुर्द और कला है दोनों मिलाकर, जिसमें कला में ज्यादा सिवान है, खेत है, आबादी कम है, लक्ष्मीपुर खुर्द में ज्यादातर आबादी है। ठीक है, धन्यवाद।